इमरान खान ने बनी गाला के अंदर स्पीच की है, उसमें चार अहम बातें की हैं। पहली बात इमरान खान ने की है कि मुल्क का सोचने वाली कुतें कौम का फैसला देख लें कि कौम ने अपना फैसला सुना दिया है। दूसरे नंबर पर सिकंदर आजम को इमरान खान ने कहा, जिस तरीके से डस्का के अंदर इलेक्शन हुए थे और आपको शिकायत मसूल हुई थी, इसकी वजह से दोबारा डस्का के अंदर इलेक्शन हुए थे। कराची में भी सीट के पीछे दोबारा इलेक्शन करवाए गए तो इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। वहाँ पर सिद्दीक जान मौजूद थे, उन्होंने बहुत अहम सवाल किया। उन्होंने कहा, इमरान खान आपको जीत हुई है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा हार गया है, ये बात की जा रही है। इसमें इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। इमरान खान कहते हैं कि कौन कहता है अपने इदारे के साथ बुरा हो, इस मुल्क का नुकसान होता है, हमें पूरी दीवार से लगाने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी मैंने पूरी कोशिश की है हमारी वजह से हमारे इदारे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इमरान खान ने कहा, हमारे इदारे के अंदर अपने लोग नहीं बल्कि मैं मेरिट के हिसाब से लोग रखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ के बारे में जब सवाल पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि मेरी शुरू से आदत है कि मैं स्पोर्ट मैन का मुकाबला करना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ अगर मेरे से मुकाबला करना चाहता है तो मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मैं ज़रा भी पीछे नहीं हटूंगा। वो लोग जो कुछ कर सकते हैं कर लें, उनके पास बहुत कम वक्त है। इमरान खान ने कहा, जब मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो मैं ज़रा भी पीछे नहीं हटूंगा। इस दफ़ा मामला हल नहीं हो रहा तो लॉन्ग मार्च तक ही जाएगा, मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। जैसा कि नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।